नमस्कार, मैं सुधीर कुमार, अनुदेशक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान पाटलिपुत्र पटना तेरा। आज मैं कुछ ऐसी एक नए अनोखी चीज़ों पे चर्चा करने जा रहा हूँ। वो बहुत आम भी है और बहुत खास भी है। आम है कि रोज के दिनों में ये चर्चा होती है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्या है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया जाए, मतलब इसको कैसे हम समझेंगे कि जो है वो सूक्ष्म है, लघु है या मध्यम है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इसको कैसे हम डिफाइन करके समझेंगे कि कौन सा उद्यम जो है वो माइक्रो में है, कौन सा उद्यम जो है वो स्मॉल में है और कौन सा उद्यम जो है वो मीडियम में है। मैं आपको ये साफ जाहिर, मतलब आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको, कभी भी मन में ऐसी बातें ना आए जिसमें आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो माइक्रो नहीं हो सकता है, नहीं नहीं ये तो स्मॉल नहीं हो सकता। एकदम ये साफ है, ये डिफिनीशन है MSME का और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है हमारे मंत्रालय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ MSME से। ये आपको एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 26 जून 2020 को, वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये लिमिट जो है इन्हेंस करते हुए, लिमिट को बढ़ाते हुए और एक नया फार्मूला जो है वो बताया गया था कि माइक्रो और स्मॉल और मीडियम ये तीनों जो है इसका क्या क्या मतलब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्या हो सकता है। तो एकदम साफ बहुत स्पष्ट शब्द में हम बता रहे हैं कि देखिए, कोई भी उद्यम है ना उसका एक ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी उद्यम होता है उसका एक टर्नओवर होता है। तो एकदम जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 5 गुना, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 5 गुना आपका टर्नओवर होना चाहिए। मतलब माइक्रो में ये जो बताया गया है कि माइक्रो जो है वो उसमें मतलब 1 करोड़ रुपया तक, 0 के बाद 1 करोड़ रुपया तक अगर इन्वेस्टमेंट है, 0 के बाद मतलब 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट है और 1 करोड़ रुपया भी इन्वेस्टमेंट है और जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, मतलब टर्नओवर जो है मल्टीप्लाई 5 गुना 5 करोड़ तक अगर टर्नओवर है तो वो माइक्रो कहला जाएगा, उसको हम लोग माइक्रो के श्रेणी में रखेंगे, सूक्ष्म के श्रेणी में रखेंगे। माइक्रो जो है उसमें हमारा रेड़ी पटरी वाले जो एकदम छोटा से छोटा ठेला वाला, सब्जी वाला, ये सब सारे जो कारोबार करते हैं और 1 करोड़ रुपया तक जो कोई भी कारोबार करते हैं वो, और उनका जो टर्नओवर है, अगर वो टर्नओवर है और 5 करोड़ तक है वो माइक्रो है, ठीक है। ये बहुत ही स्पष्ट रूपों से मैंने बताया है। दूसरा जो है स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए बहुत आसान, मतलब है फिर उसी तरह का फार्मूला है, फिर उसी तरह का फार्मूला है कि यहाँ है कि 10 करोड़ तक, मतलब 10 करोड़ रुपया अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर आपका अगर 50 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर अगर 50 करोड़ है तो ये क्या होगा, ये इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल कहला जाएगा। ये जो उद्यम है वो लघु कहलाएंगे, मतलब स्मॉल कहलाएंगे। तो ये देखिए सूक्ष्म में और लघु में मतलब यही डिफरेंस है कि वहाँ 1 करोड़ रुपया अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर अगर है 5 करोड़ तो वो स्मॉल हो गया, सॉरी ये माइक्रो हो गया। और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ है और 50 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो वो आपका मतलब स्मॉल में हो गया। और उसी तरह से अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ रुपया है और अगर आपका टर्नओवर
अगर 250 करोड़ रुपया है तो वैसे उद्यम को हम लोग मध्यम उद्यम कहते हैं। ये तीनों उद्यम जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में है, ये जान के बहुत ही खुशी होगा, ये जान के बहुत हम लोग आश्चर्य करते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई के तहत एक मतलब 250 करोड़ रुपए तक का जो भी टर्नओवर मतलब टर्नओवर वाले होंगे और इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ वाले होंगे वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में उसके तहत आएंगे। आपको ये पूरा स्पष्ट मैंने आपके कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया है। मैं इसलिए क्लियर किया है कि रोज़मर्रा में हम देख रहे हैं हमारे हम मैं अपने कामों में देख रहा हूँ कि लोग जो है वो अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइज है उसमें जो मतलब कितने कितने इन्वेस्टमेंट वाले टर्नओवर वाले जो हैं वो क्या कहलाएंगे। मैं इसलिए आपको आज स्पष्ट किया ताकि भविष्य में आप लोगों को अगर किसी तरह की कोई आवश्यकता हो, जानकारी लेनी हो, हमारे वीडियो को हमारे यूट्यूब को देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमें हमारे जो बनाए गए जो वीडियोस हैं जो यूट्यूब्स हैं उसे मतलब आगे बढ़ने में आगे समझने में तवज्जो हो और आपका ये जो ज्ञान है उस बहुत दूर दूर तक लोगों को पहुंच सके। मैं सुधीर कुमार अनुदेशक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान पाटलिपुत्र पटना भारत सरकार, थैंक यू, धन्यवाद।